नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्राम, मिलीग्राम और एमजी ग्राम यानी कि एमजी के बारे में। ठीक है, मतलब कि भार के छोटे छोटे और बड़े बड़े मात्रक के बारे में। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और जानकारी समझ में आएगी, हमारी जिम्मेदारी और गारंटी होगी। ठीक है, जैसे अगर आपको कहीं ऐसे मिल गया सवाल, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में या फिर आपके दैनिक जीवन में, अगर आपको चीनी लेना है और आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से बोलते हैं कि मुझे आधा किलो चीनी दे दीजिए, तो आपको आधा किलो देगा, तो कहीं आपको आधा किलो लिखा नहीं होगा। जब वो कंप्यूटर काटे में तौलेगा भाई, तो वहाँ पे 500 ग्राम आएगा। ठीक है, अब 500 ग्राम दे दिया, अब आपने कहा भाई ये तो आधा किलो नहीं हुआ, तो अगल बगल वाले मजाक उड़ाएंगे आपका, ये 500 ग्राम दिया और ये बोल रहा आधा किलो नहीं हुआ। तो इसलिए आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए, मतलब समझिए। ठीक है, एक किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? देखिए, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ये सब क्या होते हैं? ये सभी भार नापने के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं, इकाई होती है। जैसे ये हमने लिया डस्टर, ये डस्टर कितना होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम का होगा, है ना। जैसे अगर हमने लिया ये इंक, इसमें इंक है कितना? 30 ml की, मतलब मिलीलीटर। हमने इसको ग्राम या किलो में क्यों नहीं बोला? क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड को नापते हैं किसमें? लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर में। भार को नापते हैं ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। ठीक है, ये मार्कर है, ये कितना होगा? इसको इतने बोलेंगे ना, आधा किलो है, एक किलो है, या फिर 500 ml है, या एक लीटर का है, नहीं ना। इसको बोलेंगे ये 5 सेंटीमीटर का है या 7 सेंटीमीटर का है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई नापेंगे ना, समझ रहे ना। हाँ, इसका भार भी नाप सकते हैं, वजन भी, कि ये 10 ग्राम या 20 ग्राम का है, वो अलग बात है। ठीक है, तो दूरी या लंबाई नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लिक्विड पदार्थों को नापने के लिए जैसे तेल, दूध, स्याही, मिल्क, कुछ भी नापने के लिए ग्राम, मतलब मिलीलीटर, लीटर, डेसीलीटर, किलोलीटर, और भार को नापने के लिए ग्राम, किलोग्राम और डेसीग्राम। तो देखते हैं 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, मतलब 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 500 ग्राम, 150, 1000 या 2000? इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका, जैसे आपने देखा था लंबाई वाले में हमने नंबरिंग कर लिया ना, इसको आपको याद करना है सातों राशियों को, मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। अब हमें लिखना है 1 kg में कितना क्या होता है? ग्राम, ग्राम के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ ऐसे डाट डाट करके क्या लिख देंगे? ग्राम, मतलब जी, मतलब ग्राम। अब मानते हैं 1 kg कितना है, कितने ग्राम के बराबर है, अब इसे देखते हैं। देखिए, ग्राम यहाँ पर है, किलोग्राम यहाँ पे, यानी केजी यहाँ पे है, है ना। आप देखिए, किलोग्राम से हमें ग्राम में बदलना है, यानी नीचे से हमें ऊपर जाना है ना, ये एरो ऐसे बनेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल में यहाँ पर 1 लिख देना है, और अब देखिए 7वां नंबर पे है, ये 4था नंबर पे है। जब आप 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, और जो 3 आया ना बाबू, वहां पे 3 0 लिख दो बस, मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, है ना। कितना मजेदार, मजेदार है ना। और आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दे, हल्का सा बदलाव कर दे बस, हल्का सा, और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, अब आप कहेंगे 1 ग्राम में किलोग्राम कैसे होगा? होता है, 1 ग्राम में किलोग्राम भी होता है। कैसे? देखिए, अब बदल गया सिस्टम, अब हमें ग्राम से किलोग्राम में आना है, यानी ये एरो क्या होगा, ये एरो उल्टा लगेगा नीचे की साइड को, है ना, ऊपर से नीचे आएंगे, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ 1 तो लिखेंगे ही, साथ में ऐसे लाइन खींच के बटा में 1 भी लिखेंगे। ठीक, अब 7 में से 4 घटा लो, 3 आया ना, वही 3 0 फिर बढ़ाएंगे, लेकिन अब की बटा में करके तब बढ़ाएंगे, समझ गए ना। अगर ऊपर से नीचे वाले राशि में बदलना है, यानी ग्राम से किलोग्राम में, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर छोटी राशि को बड़ी राशि में चेंज करना है तो हमेशा भाग करते हैं, अगर बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना है तो गुणा करते हैं, समझ गए ना, बिल्कुल क्लियर है ना। तो भाई अगर समझ गए ना तो आप लोग जल्दी से फट से जवाब दे दो एक सवाल का, और फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे खींच सकते चलते हैं, ये तो बहुत देर हो रही है ना। देखिए अगला सवाल, इसका उत्तर तो सभी जानते हैं, 9 kg कितने ग्राम के बराबर होगा, जल्दी से बता दो सभी लोग, 9 kg कितने ग्राम के बराबर होगा?
अगर आप आटा पिसाने जाते हैं, 9 किलो आटा है गेहूं आपका, तो कितना ग्राम है वो, मतलब कितना ग्राम है? देखिए सिंपल में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम, सो 9 kg इक्वल क्या हो जाएगा, 9 × 1000 इक्वल हो जाएगा 9000 ग्राम, बस आंसर आ गया। इसमें कोई भी ऑप्शन अगर देख ले तो बी वाला सही होगा। इस तरह से देखिए अगला सवाल, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, थोड़ा सा हटके है बाबू। ये कह रहा है कि 4 किलो मतलब 4 kg और 200 ग्राम, ये कितने ग्राम के बराबर है? देखिए थोड़ा सा हटके है ना, ये 4 kg और 200 क्या है, ग्राम है, ध्यान दीजिएगा। इसमें केजी भी दिया है और ग्राम भी दिया है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कुल कितने ग्राम के बराबर है, केवल ग्राम में बताना है आंसर, बस बाकी कुछ नहीं। कैसे करेंगे? सिंपल में जो ग्राम में दिया है इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम उसी में जोड़ देंगे, लेकिन जो केजी में दिया है उसको हमें ग्राम में चेंज कर लेना है ना। तो सिंपल में आप जान सकते हैं कि 4 kg में 4000 ग्राम और 200 इसी में जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 4500 ग्राम, 4200 ग्राम उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लेकिन इसको करेंगे कैसे, अगर आपको कहीं रियल में मेथड से हल करना पेपर में, तो ऐसे तो नहीं कर देंगे, खचा पाचा करके गलत हो जाएगा भाई। क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रूल वाइज, चूंकि 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, सो 4 kg, ये मैंने 4 लिखा थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये 4 kg इक्वल 4 × 1000 इक्वल 4000 ग्राम। ओके समझ में आया ना। अब फिर क्या करेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे जो दिया है पूरा टोटली, ये 4 kg और 200 ग्राम इक्वल, 4 kg की वैल्यू क्या है, ये देखिए 4000 ग्राम ना, और ये प्लस 200, तो हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में था, दोनों को हमने ग्राम में करके ऐड कर दिया, और ये हो गया 4200 ग्राम। जल्दी से लिख लें और एक बार ध्यान दें, आपकी DLED की क्लास फिर से वैसे चलेगी, एक एक दो दो घंटे की जैसे चलती थी, बस थोड़ी सी व्यस्तता है दोस्तों इस समय, जो कि आपकी अनएकेडमी पर कुछ बातचीत में है, मतलब अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, इस वजह से आपकी क्लास जो है मैथ की ज़्यादा देर नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी हम बैक आएंगे और फिर से आपकी क्लास मैथार्थन क्लास होगी, दो दो तीन तीन घंटे की, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 ग्राम जो है वो कितने केजी के बराबर है ना। अब ग्राम में केजी कितना होगा ये आपको समझना है, ध्यान दीजिए कैसे करते हैं, हमने आपको भी बताया था, अगर आप इसको जानते हैं ना कि चूंकि 1 kg में 1 kg इक्वल 1000 ग्राम है ना, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, सो 1 ग्राम की अगर बात बोले तो 1 ग्राम इक्वल 1/1000 kg, समझ गए ना, अगर 1 kg में 1000 ग्राम तो 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है, सिंपल सा है ना। तो 1 ग्राम में कितने केजी होता है, ये मिल गया ना आपको 1/1000, जस्ट उसी का उल्टा समझ लीजिएगा। अगर 1 ग्राम में कितने किलो पूछा है तो पहले आप ये निकालिए कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो इसे सभी जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो अगर 1 ग्राम में हमें निकालना है तो हम उसको बटा कर देंगे, 1/1000 ग्राम हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप पहले देखिए ग्राम वाला कहाँ है, ये है किलोग्राम वाला, पहले नंबरिंग कर लो भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 6 और 7, टोटल 7 राशियां हैं। अब देखिए चौथे नंबर पे है, ये कौन नंबर पे है, 7वां नंबर पे है। आप ऐसे लिख लो भाई, 1 ग्राम इक्वल केजी में बदलना है ना, ठीक। अब सबसे पहले अगर छोटी राशि से बड़ी राशि में बदलना है तो 1/1 लिखेंगे। अब देखिए 7वां नंबर पे है, ये 4th नंबर पे है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, और यहाँ आप 3 0 बढ़ा देंगे तो 1/1000 केजी आ जाएगा। चाहे आप इसको याद रखें चाहे इसको याद रखें, जो आपको बेस्ट लगे उसको करें, है ना मजेदार। तो एक अंतिम सवाल और देख लीजिएगा, 200 ग्राम कितने केजी के बराबर है, बताओ जल्दी से कमेंट करें, 200 ग्राम कितने केजी के बराबर है। देखिए सिंपल में है, ये
200 ग्राम कितने केजी के बराबर है? पहले आप ये देखिए कि एक केजी में कितना ग्राम होता है, एक केजी में कितना ग्राम होता है, एक केजी में 1000 ग्राम होता है ना। चूंकि देखिए शुरू देखिए 1 केजी, अभी हम हटेंगे सब देखिएगा, 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम, सो 1 ग्राम इक्वल 1/1000 केजी है ना। अगर 1 ग्राम में 1/1000 केजी होता है तो 200 ग्राम में क्या होगा, ऐसे लिख लीजिए 200 ग्राम इक्वल 200/1000 केजी, दो जीरो ऊपर से काट दो भाई, दो जीरो नीचे से, ये बचा 2/10, 2 से काट दो तो 1/5, ये आ गया केजी, 1/5 केजी के बराबर होगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है ना। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप हर दिन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें 9793488448 पर JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करें, और थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे तो आपको क्लास मिलेगी। और दोस्तों, जो लोग हमसे लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब क्लास जब शुरू हो उसके पहले उसकी लिंक उनके नंबर पर भेज दी जाए, तो वो लोग इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे PBR स्टडी नाम से, ठीक है ना। अगर आप अपने फोन में सेव रखेंगे तभी आपको क्लास की लिंक मिल पाएगी। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन भी किया है, अगर वो नंबर सेव नहीं रखते हैं तो उन्हें लिंक नहीं मिल पाएगी क्लास की, क्योंकि आपकी जो भी लिंक भेजा जाता है ना, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। जो लोग नंबर नहीं सेव करते हैं उनके पास वो मैसेज नहीं जाता है। तो इस नंबर को जरूर सेव करके रखें सभी लोग PBR स्टडी नाम से। थैंक यू आप सभी को। और हाँ, अगर और सभी क्लास प्राप्त करना चाहते हैं जैसे जीके जीएस और पर्यावरण वगैरह हर चीज को, तो आप हमें अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इतना ही नहीं, फेसबुक पर भी लाइक करें और विजिट करें PBR स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट pbrstudy.com। आपकी सभी समस्याओं को लेकर के हम हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे लोगों की पूरी कोशिश होती है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप उसे हमें निसंकोच शेयर कर सकते हैं।